नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हता मर्यादो ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम हिम्मत पट्टी में विगत शनिवार की सुबह तेंदुए ने खेत में कार्य कर रहे किसानों को घायल करने की घटना सामने आई है, जिनमें वन परिषद मर्यादों के साथ हटा की टीम रेस्क्यू करने पहुंची थी, जिसमें देर रात तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि तेंदुआ है या लकड़बंघा है। वहीं दूसरे दिन भी वन विभाग की टीम दोबारा शब रविवार की सुबह रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो जांच करने पहुंची तो हटा वन विभाग रेंजर रूप किशोर दीक्षित के द्वारा तेंदुए के पैरों के निशान होने की पुष्टि की गई, लेकिन रेस्क्यू के नाम पर दिखावा कर सरसुमा क्षेत्र का हवाला देकर बिना कोई सूचना के वहां से अपनी पूरी टीम के साथ निकल गए। ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर वन विभाग की पूरी टीम की शिकायत की। वहीं रेस्क्यू करने को जब ग्रामीणों ने वन परिषद हटा के रेंजर से कहा, तब उन्होंने ग्रामीणों की बात को नकारते हुए कहा कि अभी तेंदुए की कोई लोकेशन नहीं है, यदि लोकेशन मिलेगी तो पन्ना टाइगर रिजर्व को सूचित करेंगे। ग्रामीण गोविंद पटेल द्वारा रेंजर से बात करने पर कहा गया कि अगर रेस्क्यू टीम नहीं आती है और किसी ग्रामीणों को फिर से हमले का शिकार होना पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका स्पष्ट ना करके रेंजर अपनी पूरी टीम के साथ सरसुमा चली गई। हमारी पूरी टीम के द्वारा तेंदुए की लोकेशन की जानकारी ली जा रही है, जैसे ही कोई जानकारी लगती है तो पन्ना टाइगर रिजर्व को सूचित कर तेंदुए का रेस्क्यू करने की कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि रूप किशोर दीक्षित वन परिषद अधिकारी हटा। खेत में गेहूं के खेत में खून में बैठा था वो, मैंने एकदम पत्थर फेंके मिट्टी, तो मिट्टी ने उसके ऊपर गिरी तो एकदम दहाड़ के वो दौड़ गया, आप मेरे ऊपर झपट गया। तो आप बच गए क्या? हाँ, मैंने दौड़ लगा दी और नरज्जा में खून गया और ऊपर से मेरे को नाकते हुए चला गया। ये चोट आई आपकी? वन विभाग की टीम ने हटा वाली वापस हो गई क्या? हाँ, वो हटे वापस हो गई, डर के भाग गए। डर के भाग गए? हाँ, और दो घंटे पहले उनसे बोला, हम लोगों ने बोला भी कि देख लो, लेकिन उनने नहीं देखा है। वो लोग यहाँ घुस नहीं रहे, होते उन्होंने बोला तो है यहाँ पर, उनसे बात हुई कि यहाँ पर वो है खेत में बैठा है, वो उसके नाले के गिर देखा है वो, जबकि गेहूं के खेत में बैठा है, बार बार बैठता है वहीं मिलता है। रेस्क्यू टीम बुलाने से क्या हुआ? इनसे बोला तो उन्होंने बोला कि रेस्क्यू टीम तो जब आएगी जब यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं आएगी नहीं। तो हम लोगों ने उनसे बोला है यदि कोई घटना घट जाती तो आप जवाबदारी ले लो। तो क्या बोले फिर? तो जिम्मेवारी लेने से इनका कर रहे इनकार कर रहे, नहीं रेस्क्यू टीम नहीं आ सका। कल जब यहाँ पर सूचना मिली कि ग्रामीण दो लोगों को यहाँ पर घायल कर दिया गया है, तो हमारी टीम आई है और हमारा स्टाफ यहाँ पर पूरी रात गश्ती करता रहा और अभी भी हम लोग जो है सुबह से लगे हुए हैं और पूरा क्षेत्र जो है देख लिया है और जैसे ही हम लोगों को लोकेशन मिलती है तो रेस्क्यू टीम बुला करके और हम लोग उसका यहाँ से गाँव वाले की मांग है कि रेस्क्यू टीम बुलाई जाए, क्योंकि सब लोगों ने पर्चे ने भी देखे हैं और कल भी लोगों ने देखा उसको। नहीं तो रेस्क्यू टीम के संबंध में क्या कहना आप? नहीं तो मेरी बात यानी जो है साहब लोगों से हुई है तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी अपन को लोकेशन मिलती है तो अपन वहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम को भेजते हैं। अच्छा, जब तक लोकेशन नहीं मिलेगी जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आएगी मतलब? नहीं तो हम लोग तब तक हैं, यदि कहीं लोकेशन मिलती है तब तो उस पर अपन करेंगे एक्शन। अच्छा। यदि जैसे रेस्क्यू टीम को हम लाएंगे तो उसे हम कहाँ ले जाए बताइए। और इसके पहले अगर कोई घटना हो जाती है गांव वाले के साथ तो इसमें जवाबदारी किसकी रहेगी? नहीं तो हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई घटना हो जाती है इसके पहले तो फिर इसमें जवाबदारी किसकी रहेगी? रेस्क्यू टीम आपने कहा कि नहीं आएगी, जब तक देखेंगे नहीं आएगी। नहीं, हम लोग इस दौरान कोई घटना हो गई तब क्या करेंगे? बस समझे पूछ रहे बस। नहीं, हम लोग उसके ऊपर जो है सारे प्रयास रहते हैं और जैसा भी होगा हम लोग। तो जवाबदारी आप लोगों की है मतलब गाँव वालों की, अगर होती है कोई घटना तो जवाबदारी आप लेंगे अपने ऊपर? नहीं, हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रयास करेंगे, जवाबदारी नहीं लेंगे अब? जवाबदारी अब हाँ सर, एक क्वेश्चन, जवाबदारी तो लेंगे या नहीं? नहीं तो प्रयास करना हमारा काम है, बस जवाबदारी नहीं मतलब, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, जवाबदारी आप नहीं लेंगे अपने ऊपर? ठीक है। हटा से खबर समय जगत के लिए भूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।